सांगवान खाप के सबसे बड़े गांव चरखी की पंचायत ने धान की बिजाई पर एक बड़ा फैसला लिया है। खाप ने बिजाई पर पूर्णतः रोक लगाने का फैसला लिया है। इस फैसले में कहा गया है कि धान की फसल लगाने वाले किसानों का पंचायत द्वारा हुक्का पानी बंद करते हुए उन परिवारों के गम खुशी में कोई भी ग्रामीण शामिल नहीं होगा। सांगवान खाप प्रधान और दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान की उपस्थिति में सरपंच भूपेंद्र सिंह ने पंचायत के निर्णयों की जानकारी दी। हालांकि पंचायत में एक पक्ष द्वारा हंगामा करते हुए पंचायत के फैसले का विरोध भी किया और कहा कि किसान अपने खेतों में कुछ भी लगा सकता है। सांगवान खाप प्रधान व विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि गांव चरखी में धान की बिजाई पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। धान लगाने के चलते गांव में पानी घुसने के साथ साथ मकानों में भी दरारें आती हैं, जिससे गांव में काफी नुकसान होता है। ऐसे में धान की बिजाई पर रोक लगा दी गई है। कहा कि सरकार के पानी बचाने की मुहिम में ग्रामीणों ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। पंचायत छत्तीस बरादरी के भाइयों के और आज से 10 साल पहले गांव के हर बार डूबा जाते थे, गांव ने बंद करा था धान। आज भी गांव में इस बात पर सहमत होया भाई धान नहीं बोना, इससे गरीब आदमी में बचे पानी रहेगा, पानी भर जाएगा, मकान में दरार आ जाएगी। तो सब ने सामने फैसला करा, सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मतलब सरकार कह रही है पानी बचाओ, तो उसी के ऊपर मोर लगा दी, गांव जो है धान नहीं बोले। बता दें कि गांव चरखी की पंचायत द्वारा करीब 10 वर्ष पहले धान की बिजाई पर रोक लगा दी थी। बाद में धीरे धीरे किसानों ने दोबारा से धान की फसल लगानी शुरू कर दी। हालांकि कई बार पंचायत और किसानों के बीच हो हल्ला भी हुआ था। धान की बिजाई को लेकर गांव चरखी में सांगवान खाप प्रधान व दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान की उपस्थिति में सरपंच भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में प्रतिनिधियों ने धान की बिजाई पर पूर्णतः रोक लगाने का निर्णय लिया, साथ ही भविष्य में धान लगाने वालों पर कठोर कार्रवाई करने की भी बात कही। सत्य खबर के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।